गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स मी डिंपल शर्मा। वेलकम टू द माय क्लासेस रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट और क्लास है केजी सेकंड के स्टूडेंट्स। बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर है 59, पेज नंबर है 59 और चैप्टर नंबर है आपका 18, चैप्टर नंबर 18 जिसमें आधे व्यंजन हमको आज पढ़ना है। आधे व्यंजन चैप्टर नेम है, आधे व्यंजन। अब इसमें आप देखिएगा, जैसे आधे शब्द बनाते हैं ना, जिसमें आधे वाक्य का प्रयोग होता है, आधा वाक्य बनता है। ये जैसे का है, ये का पूरा बना हुआ है, खा पूरा बना हुआ है, गा पूरा बना हुआ है, घा पूरा बना हुआ है, चा पूरा बना हुआ है। इसको हम आधा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये आधा का, आधा खा, आधा गा, आधा खा और आधा चा। आधा का, आधा खा, आधा गा, आधा घा और आधा चा। बुक्स में भी काफी बने हुए हैं, इसमें जा बना हुआ है आधा, बुक्स में देखेंगे या बना हुआ है, टा है जो, टा आधा कैसे बनता है, इसमें नीचे हलन जैसा लगता है। ये जो टा टमाटर है, टा टमाटर आधा कैसे बनेगा, नीचे ये टाइप से, ठीक है, ये ठा भी ऐसे ही बनेगा, डा भी ऐसे ही बना है, इसमें हलन लगा हुआ है, ढा भी बना हुआ है, ये आधे के नीचे ही क्या लगता है, तो इसको आधा माना जाता है। फिर है ता, ता आधा बनेगा, था देखो आधा बना हुआ है बुक्स में, दा बना हुआ है, दा के नीचे भी हलंत बना हुआ है, ये दा आधा है, धा है तो धा आधा, देखो उसकी लाइन हटा दी गई है, नामे से भी लाइन हटा दी गई है, पा है, पा की भी लाइन हटा दी गई है, फा को भी आधा, ऐसे तो ये बुक्स में देखेंगे आप, फा आधा बना हुआ है, वाह बकरी वाला है जो, वो भी आधा है, उसकी लाइन हटा दी गई है, वाह की भी लाइन हटा दी गई है, माँ की भी लाइन हटाई है इसमें, या है आधा, रा, ये रा जो है ना उसकी मात्रा लगती है, ये मैंने आपको पहले बता दिए है, ये रा की मात्रा, ये इसमें ये आधे में माना जाता है, ये ला आधा, ये ऐसे बनता है। बुक्स में देखेंगे आप, मैं ये जो आपको बताती जा रही हूँ वही आपको देखना है, वा वा बकरी का वा बन है ये, उसकी लाइन हटा दी गई है, सा षटकोण आधा, ये पूरे दिए गए हैं इसमें। अब ये जो शब्द बनते हैं जैसे सत्य है ना, तो इसमें आधा ता बनेगा, ये आप बुक्स में देखिए आधा ता कैसे बना हुआ है, वही हम इसमें बनाएंगे, सत्य, ये सत्य। अब ये देखो चम्मच होता है ना, चम्मच में भी आधी माँ का यूज होता है, ये हमने आधा माँ यूज किया है इसमें, चम्मच, चम्मच। ये चप्पल में भी आधा पा यूज होगा, चप्पल। ये जो कुत्ता लिखते हैं ना अपन, उसमें आधे ता का यूज होता है, कुत्ता। ये जैसे रक्त, रक्त में भी हम आधे का यूज करते हैं, तो आधे का यूज किया है हमने इसमें, रक्त, ये लिखा हुआ है रक्त। इसमें देखो काफी दिए हुए, मोमबत्ती, मोम बर आधा ता बत्ती, मोमबत्ती, बच्चा, बच्चा में आधे चा का यूज हुआ है। फिर पीछे के काफी सारे शब्द दिए हुए हैं, जैसे तथ्य, रक्त, वक्त, ये जो बिलू बिलू है ना, ये आधे व्यंजन है। शब्द पुष्प आधा सा बना हुआ है, श्वेत में सबसे पहले आधा सा सीधी वाला सा बनता है, कच्चा, कच्चा में आधा चा बनता है, सच्चा, सच्चा में आधा चा बनता है, बीच में अच्छा में चा चम्मच जो होती है वो आधा चा, अच्छा, लच्छा, मक्का, पक्का, धज्जा, पत्ता, गत्ता, भद्दा, ये देखो दा है ना, ये आधा, तो उसमें नीचे हलंत लगाया गया है, प्यास, प्यार, प्याज, लुप्त, लुप्त, पुष्प, पुण्य, बल्ला, छल्ला, गल्ला, लस्सी, रस्सी, बिल्ली, दिल्ली, नाश्ता, पास्ता, रास्ता, सज्जन, व्यंजन, मस्तक, पुस्तक, अंडा, डंडा,
झंडा, ये सब ये आदि व्यंजन वाले शब्द हैं सारे। ये आपको घर पर ये आपको ये पूरा देखना है बार बार, फिर आपको ये बुक्स में ये पीछे ये जो जितने शब्द दिए गए हैं वो भी बार बार पढ़ना है, मिला मिला के शब्दों को आप पढ़ना है, और जहाँ पर नहीं आया आप वीडियो के थ्रू बुक्स के थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश्ड होता है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फिर हमारी आ गई है संयुक्त अक्षर, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।